नीतीश कुमार नौवीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और ऐसा करने वाले वो देश के इकलौते नेता बन चुके हैं। दरअसल नीतीश की नई सरकार उस वक्त बनी है जब देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। ऐसे में बिहार में जातिगत राजनीति को साधने के लिए बीजेपी ने भी अपनी खोई जमीन तैयार कर ली है। मैं नीतीश कुमार नौवीं बार नीतीश कुमार प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। नीतीश कुमार ने नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार की वापसी हो गई। करीब 18 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए नीतीश कुमार ने नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू कोटे से 3 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री और निर्दलीय सुमित कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इसमें बीजेपी कोटे के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में सियासी और जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी जाति से आने वाले श्रवण कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि लव कुश समीकरण के कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में यादव जाति का प्रतिनिधित्व बिजेंद्र यादव कर रहे हैं। महादलित समाज से आने वाले संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में अगड़ी जाति का ख्याल रखते हुए भूमियार जाति से 2 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले विजय चौधरी को भी एक बार फिर मंत्री बनाया गया, जबकि सुमित कुमार सिंह राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखने वाले कहार या फिर कहें तो चंद्रवंशी समाज से डॉक्टर प्रेम कुमार को मंत्री बनाकर जाति समीकरण के साथ साथ सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी तेजस्वी हो जाएगा, तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है। हालांकि आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कई और नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले किसी नेता को भी मौका मिल सकता है। लेकिन अभी अगड़ी जाति में ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो कोशिश यही है कि हर एक वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महागठबंधन से मोह भंग होने के बाद नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन कर चुके हैं और बीजेपी के सहयोग से 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन इस उलटफेर से एनडीए गठबंधन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ही विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे। बिहार में पलटी मार सियासत और इंडी गठबंधन में अंदरूनी गर्माहट। आने वाले उस चुनाव के लिए चुनौतीपूर्ण आहट है, जिसमें एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ 27 दलों का छिन्न भिन्न होता गठबंधन। क्योंकि गठबंधन के सूत्रधार ने जब पलटी मारा तो बेचैनी गठबंधन साथियों की बढ़ गई। बिहार से उत्तर प्रदेश तक और बंगाल से पंजाब तक सियासी शोर सुनाई देने लगा। लेकिन जो नीतीश ने बीजेपी के साथ आने के बाद कहा, वो 2024 के लिए बड़ा संदेश है। सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। इंडिया गठबंधन ने मोदी को हराने की ठानी है। उस गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार का बड़ा रोल था। उन्होंने ही सभी दलों को
साथ लाने का काम किया था। दिल्ली के लगातार चक्कर काटने से लेकर अलग अलग विचारों के नेताओं को एक मंच पर लाने तक काफी कुछ नीतीश की मेहनत का नतीजा रहा। ऐसे में अब जब वे खुद ही इस गठबंधन से अलग हो गए तो इसका असर पूरे विपक्ष पर पड़ना लाजमी है। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। दरअसल इन दिनों इंडी गठबंधन में दो फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, एक तरफ नीतीश तो दूसरी तरफ वो राज्य जहां अब तक सीटों का पेच फंसा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं, तो यूपी और पंजाब में अब भी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। इस बीच अखिलेश ने जरूर कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। लेकिन कांग्रेस अखिलेश के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किसी का नाम लिए बिना कहा, कुछ राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर आम सहमति बन गई है, सीटें फाइनल कर ली गई हैं, लेकिन उनकी घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि घोषणा करने का जब सही समय होगा तब की जाएगी। यानी नीतीश के इस्तीफे के बाद अब इंडी गठबंधन में दूरी नहीं बल्कि खाई जैसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नजर अब उस वर्ग पर है जिसका न कोई जाति है न कोई धर्म है, अगर कुछ है तो वो है राष्ट्र की सेवा, यानी कि महिला नौजवान के बाद अब बीजेपी किसानों को साधने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाने जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम थोड़ी ही देर में शुरू होगा। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी बोर्ड परीक्षार्थियों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को भगाने का मंत्र देंगे, छात्रों के सवालों के जवाब भी देंगे। पीएम की छात्रों के साथ होने वाली परीक्षा पे चर्चा के लिए इस बार देश और विदेश के 7 करोड़ से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है परीक्षा पे चर्चा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ संवाद करने वाले हैं, जिसमें कई छात्रों को सेलेक्ट किया गया है बोर्ड की परीक्षा ये देने जा रहे हैं, और अपने सवाल ये प्रधानमंत्री से यहां पर पूछ पाएंगे, प्रधानमंत्री उनका जवाब देंगे और साथ ही साथ छात्रों को तनाव भगाने का मंत्र देंगे। तो दिल्ली के भारत मंडपम की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। एकलव्य विद्यालय के छात्र भी हिस्सा लेंगे। तो परीक्षा का जो भय होता है छात्रों में, उसे दूर भगाने का मंत्र पीएम मोदी आज देंगे। इससे पहले कई बार परीक्षा पे चर्चा कर चुके हैं प्रधानमंत्री, हर साल करते हैं, और 7वीं बार आज परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कई पेरेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया हुआ है, और एक बड़ी तादाद आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की, स्कूलों की, स्कूल के बच्चों की, जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा आज रहेगी, और भारत मंडपम में, दिल्ली के भारत मंडपम में, जहाँ पर प्रगति मैदान में ये पूरा आयोजन रखा गया है। तो रजिस्ट्रेशन का, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि बड़ी तादाद में पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, एक रिकॉर्ड बन चुका है ये भारत मंडपम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए। 3000 छात्रों को चुना गया है जो इसे सीधे देख और सुन सकेंगे। इसके साथ साथ
करोड़ों जो छात्र हैं और करोड़ों अभिभावक हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो ऑनलाइन इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। नागरी कथा जो पा मालिकारी।